महंगाई दिन प्रतिदिन जो है वो आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो वो आसमान छू रहे हैं, सिलेंडरों के दामों की बात करें तो वो आसमान छू रहे हैं, और अगर दाल चावल लेने के लिए आप मार्केट जा रहे हैं या मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए जा रहे हैं तो वो उनके रेट भी काफ़ी हाई हैं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सड़कों के ऊपर थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए, देखिए ये कुछ तस्वीरें देखें और इसके बाद उन नेताओं ने क्या कहा, क्योंकि इनको डिटेन भी किया गया पुलिस ने। ये सारी तस्वीरें देखें और नेताओं का एक बार वर्जन सुन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से योगेश सहनी जी की अध्यक्षता में आज इस ब्लॉक में प्रदर्शन यहाँ पे है, धरना प्रदर्शन, और यहाँ से मार्च निकलेगा राजभवन का घेराव करने के लिए, ताकि वहाँ से एक आदेश जाए वो जो प्रॉपर्टी टैक्स लेके जो असमंजस की स्थिति जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनी है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई, आम आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। आज तो पड़ोसी मुल्क, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने भी कल कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम करके, चाहे बांग्लादेश हो चाहे दूसरा मुल्क हो, उसमें एक्साइज ड्यूटी में कम करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी पोजीशन हिंदुस्तान में यहाँ पे बन गई कि सोनिया जी ने भी चार बार पत्र लिखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई जाए, लेकिन सरकार को जून तक यहाँ पे नहीं रहेगी। जिस सरकार ने जिन लोगों के लिए कानून बनाए वो लोग सारे परेशान हैं, तो उसमें फौरी तौर पे महंगाई को कम किया जाए, और जो पैसा इकट्ठा किया गया आज हम पूछना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलता है? कोई प्रोजेक्ट बड़ा लोगों के सामने यहाँ पे नहीं लाया, और एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सिर्फ पैसों की वसूली की जा रही है। आप ये बताएंगे जम्मू कश्मीर की जनता को दिया क्या है जिससे पैसे की वसूली करने का, टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट है जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप आज सानी साहब की अध्यक्षता में तमाम जिला कमेटी के ऑफिसर, बहरहाल तमाम जो लोग हैं इस कच्ची छोनी में धरने के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और उसके बाद ये मूव करेंगे राज्य भवन की तरफ ताकि अपनी बात उन तक पहुँचा सके, पूरी तौर पर रोल बैक हो जाए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो स्थिति जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनी। तो जगाने के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स ये सरकार जनता पर थोपना चाहती है उसको ये रोल बैक करे, और ये सरकार जो पेट्रोल डीजल और गैस के दिन प्रतिदिन रेट बढ़ा रही है उनको रोल बैक किया जाए। ये कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये रोल बैक नहीं करेंगे, और साथ में भाजपा के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उनको याद कराना चाहते हैं 2012 का समय जब लोग चीखते चिल्लाते थे, जब गैस का एक रुपया भी बढ़ता था तो हाहाकार मचा देते थे। अब याद दिलाना चाहते हैं कि क्या हालत कर दी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब आवाम के ऊपर। इसलिए ये संघर्ष, ये प्रदर्शन पूरी कांग्रेसशिप के नेतृत्व में ये जारी रहेगा, और इसके बाद हम एलजी और की तरफ प्रस्थान करेंगे। बेईमानों का राज बदल दो।
प्राप्ति टैक्स, प्राप्ति टैक्स, प्राप्ति टैक्स। सरकारों को, हमें लगता है कि सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, इसका तोड़ क्या है। आम लोग जो हैं, मध्यम वर्गीय परिवार या फिर निचले स्तर के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए सोल्यूशन क्या है। अमीर लोग तो चलिए वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ उनके पास, क्योंकि अमीर लोगों के पास हर तरह की सुविधाएँ हैं, उनको 100-200 रेट ऊपर जाने या नीचे जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अंतर मध्यम वर्गीय परिवारों को और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो परिवार किस तरह से अपना चलाएं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदर्शन थे, इसी तरह हम चाहते हैं कि और भी पार्टियां, और भी लोग जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ, ताकि सरकार को ये समझ आए कि महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।